हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छी होंगे। और बस मैं भी हूँ बहुत अच्छी। और वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफस्टाइल व्लॉग में आपका। और बस हाउसवाइफ का जो सुबह सुबह का रूटीन होता है, उसी रूटीन में मैं आ गई हूँ। और मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कर रही हूँ अपनी साफ़ सफ़ाई, क्योंकि साफ़ सफ़ाई के बाद मुझे पूजा भी करनी है। तो इस फ्लोर पे ही मेरा मंदिर है, ये आप सभी को पता है। तो बस मंदिर वाले पोर्शन पे जल्दी हो जाए साफ़ सफ़ाई, और नीचे मेरे पौधे भी होते हैं। तो एक फ्लोर जो है, फ्लोर वाइज फ्लोर मैं काम करती हूँ। और यहाँ की मैं सबसे पहले साफ़ सफाई करनी होती है मुझे, क्योंकि सुबह उसके बाद जो है बाहर भी पौधे होते हैं, वो धूप आ जाती है। तो सुबह सुबह मुझे सब पौधों में पानी डालना, झाड़ू पोछा लगाना, और जैसा कि एक हाउस वाइफ का डेली रूटीन होता है, उसी रूटीन में मैं भी जो है हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर साफ़ सफाई कर लेती हूँ और अपने पौधों में पानी भी डाल देती हूँ। और काफ़ी जो है बहुत जल्दी सूख जाते हैं आजकल के पौधे, क्योंकि इनको काफ़ी पानी चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पर इनको सुबह ही सुबह पानी दे देती हूँ, क्योंकि सुबह ही पौधों को पानी देना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी मोटर लगी हुई है, तो मैं यहीं से ऑन किया और मैंने यहीं से इनको पानी दे दिया। और बहुत सारे बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल का टाइम भी है। और बस मैंने जो है यहाँ पर साफ़ सफ़ाई कर ली है, और साफ़ सफ़ाई के बाद पानी भी डाल दिया है पौधों में। तो मेरा कह सकते हैं कि जो है 25% तो काम जो है कंप्लीट हो गया है। और अभी के पापा जो है कुछ समझाते रहते हैं मुझे बीच बीच में। और बस यहाँ मैंने पोछा लगा लिया है, और बीच बीच में मैं इस फ्लोर को धोती भी रहती हूँ, जो मैं आप लोग को कभी कभी दिखाती भी हूँ। पर आज मेरा धोने का मन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी साफ़ था। तो मैंने वाइप से पोछा लगा दिया, और जहाँ मुझे बैठ कर पोछा लगाना होता है वहाँ मैं बैठ के भी लगा देती हूँ, क्योंकि यही चीज़ें मुझे बैठ के भी पोछा लगाना बहुत पसंद है, क्योंकि ये भी एक अपनी एक्सरसाइज होती है। और बस अब आ गया है गाड़ी वाला, जो गाय के लिए रोटियां लेता है। तो मैं हमेशा गाय के लिए रोटियां जो होती हैं, बच्ची होती हैं, या पहली जो रोटी होती है, वो ज़रूर मैं देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? और देखिए, मैंने आ गई नीचे, और नीचे की फ्लोर की मैंने कर दी सफाई, पेड़ पौधे में पानी भी डाल दिया है। तो मेरा जो है नीचे का फ्लोर का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पर हो गया है नीट एंड क्लीन। और बस अब मैं जाऊंगी ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पे अभी बचा हुआ है। और सबसे पहले जाऊंगी थर्ड फ्लोर पे, मतलब सबसे टेरेस पे, ताकि अपने पौधों को वहाँ पानी डाल सकूं। तो वहीं जा रही हूँ मैं अपने पौधों के पास में। तो देखिए, आ गई अविष्का स्कूल से, और अविष्का के लिए मैंने आज स्पेशल खाना बनाया। स्पेशल खाने में मैंने बनाई है अविष्का के लिए 3 सब्जियां बनाई है। सुबह तो मैंने इसको भिंडी दी थी, और भिंडी के अलावा मैंने बनाई है आज दाल मखनी और छोले, और क्या कहते हैं, दही तो मैं देती हूँ, और बाकी जो है चावल और रोटियां चपातियां तो बनाई है। तो आज मैंने अविष्का के लिए 3 सब्जी बनाई, ताकि मेरी बेटी बहुत खुश हो जाए और अच्छे से खाना खाए। तो मैं दिखाती हूँ मैंने अविष्का के लिए क्या क्या बनाया है। तो ये देखिए, अविष्का के लिए मैंने बनाए हैं छोले और दाल, मसाले वाली दाल मखनी, और ये, और उसके साथ में दही, भिंडी की सब्जी। तो अविष्का जो है वेरी हैप्पी होगी, क्योंकि ये पूरा न्यूट्रिशंस कहते हैं, इसमें सारी न्यूट्रिशंस हैं, सारी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की है, तो बच्चों को अच्छा भी लगता है खाना खाने में। तो अविष्का है मेरी बहुत हैप्पी। हैप्पी हो? हाँ, तो खाने में अच्छा होता है तो ही बच्चों को खाना अच्छा लगता है। तो मैंने इसीलिए आज बहुत सारा खाना बना दिया है अविष्का के लिए। क्यों अविष्का? अच्छा लग रहा है। चलो कोई नहीं, खाना शुरू करो, हम भी अपना खाना लेके आते। और लेसन 1 जियोग्राफी का, जियोग्राफी का, और सिविक्स का आ रहा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो बाकी चैप्टर याद हो? अभी हिस्ट्री याद हुआ। क्यों नहीं याद हुआ अभी? क्यों नहीं याद हुआ? अरे वो सिविक्स हो चुका है। और वो हिस्ट्री कितना टाइम लोगी? चलो पढ़ाई करो सही से। आर्टिफैक्ट सम थिंग मेड बाय, टीचर कान पकड़ती है ऐसे कोई? नहीं पकड़ती। दुर्गा की खिंचाई नहीं हुई कभी? नहीं। एयर पुलिंग नहीं की? नहीं। ट्विस्टिंग नहीं की? नहीं। कान पकड़ के ना, इतवारी मेमोरी जैसे जिसे कहते हैं, ये बटन है, टीचर बोलते हैं
कि बटन है यहाँ से ऐसे ऑन करो तो मेमोरी जो है ना वो ऑन हो जाती है। मम्मा नहीं सही है और क्या artifacts, something made by people like tools or weapons etc. of historical importance. Artifacts, something made by people like tools or weapons etc. of historical importance. Biography. History of a person. History, history में होता है history. सही सही बात. ठीक है, ये जो बार बार मैं इसको कर रही हूँ ना, इससे पता क्या होता है, ये जो कान को ऐसे ट्विस्ट करते हैं, मैं आपको बता दूं, कान को जब ये ट्विस्ट करते हैं ना, तो ट्विस्ट करने से जो आपके कान की सुनने की क्षमता बढ़ती है। अब आप सोचेंगे ये मैं कैसे कर रही हूँ। मैं एक्चुअली एक बायो स्टूडेंट थी, मतलब बायो स्टूडेंट ही हूँ और एक टीचर तो हुई हूँ। तो यहाँ पर जो है प्रेशर पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट आपका यहाँ होता है, फिर दो होते हैं, फिर तीन होता है, फिर चार होता है, और इसके बीच में जो होता है ना, यहाँ पर भी एक प्रेशर पॉइंट होता है, पांच पॉइंट होते हैं और बाकी कितने पॉइंट्स होते हैं, पर मुझे हाँ ये चीजें मुझे नॉलेज, मैं बायो स्टूडेंट हूँ, तो ये जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो इन प्रेशर पॉइंट्स पे जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो मसाज करते हैं, और ये जो ईयर कूलिंग होती है जो इस तरह से करते हैं ना, ये भी एक तरह की मसाज होती है, इससे सारे प्रेशर पॉइंट जो एक्टिवेट हो जाते हैं और सबसे पहले ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन का काम करते हैं, जिससे आपकी मेमोरी होती है अच्छी, दूसरा सुनने में आपकी मदद करते हैं, साथ में ये जो आपके ईयर लोब्स होते हैं यहाँ पर, ये नीचे दोनों ईयर लोब्स होते हैं, अगर आप इनको इनका छेद कर देते हैं तो बताओ आंखों की रोशनी भी अच्छी हो जाती है। और मैंने यहाँ पर दो करा रखे हैं, मैंने एक ये प्रेशर पॉइंट है और एक ये दो पॉइंट करा रखे हैं। इससे क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो भी कम होता है, जिसको माइग्रेन होता है उसको माइग्रेन होने के भी चांसेस मतलब कम हो जाते हैं। और मुझे ये सारी चीजें इसलिए ज्यादा पता है क्योंकि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, तो ये प्रेशर पॉइंट मैंने अलग से पॉइंट कराया है। और लोग दो तीन करा लेते हैं, कुछ लोग संस्कार की वजह से कराते हैं और कुछ लोग फैशन की वजह से कराते हैं, पर ये मैं बताऊं, संस्कार फैशन तो बात की बात है, ये एक कह सकते हैं ना कि अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये जो है ये प्रेशर पॉइंट का बहुत बड़ा योगदान है। अगर इनको आप छेद करते हैं तो इनमें बहुत सारी नसें हैं जो या मसल्स है जो हमारे ब्रेन में जाती हैं, कुछ हमारे आईज में जाती हैं, और उनको छेद करने से वो अच्छे से वर्क करना शुरू करते हैं। तो बहुत दूसरी चीज, एक चीज और भी है, जिनको पैरालिसिस, जैसे कि कुछ लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, तो ये अगर ये आप यहाँ पर छेद कराते हैं यानी एयर पियर्सिंग कराते हैं तो आपका जो है वो पैरालिसिस यानी लकवा होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इतने सारे ही बेनिफिट हैं और ये इसीलिए लोग कान छेदन भी कराते हैं, और हालांकि लोग फैशन में कराते हैं, संस्कारों में बन गया है कि नहीं लड़कियों को कान के छेदना चाहिए, पर बहुत सारे पहले समय में और बल्कि मेरे यहाँ तो अभी भी होता है, लड़कों का भी कंछेदन होता है और उसका कारण जो है वो साइंटिफिक था, पर हाँ अब संस्कारों में ऐड है, तो किसी को नॉलेज है किसी को नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आदमी भी छुपाते हैं रियल में, ये इसका रीजन ये होता है कि आपकी सुनने की क्षमता बढ़ जानी है, आपका माइंड में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाना है, आपकी आईज की रोशनी बढ़ जानी है, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाना है, और प्रेशर पॉइंट से आपके बहुत सारी मसल्स में जो तनाव होता है वो कम हो जाता है। तो ये इतने अच्छे बेनिफिट है। अविष्का को लग रहा है कि ये ईयर जो ट्विस्टिंग एक पनिशमेंट है या ईयर पुलिंग एक पनिशमेंट है, इट्स नॉट पनिशमेंट, आप अपने एक्सरसाइज ऐसे कर सकते हैं। और मैं बताऊं, मुझे माइग्रेन ना तो मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे ऐसे करती हूँ, और टीचर बहुत तेजी से खींच देते हैं, मुझे पसंद नहीं है तेजी से नहीं खींचना चाहिए, बस आपकी ये पांच ये जो चार पॉइंट बाहर में है और एक पॉइंट बीच में, बस इसको इस तरह से करना चाहिए, तो इससे जो है बहुत बेनिफिट होता है, ऐसे करते काफी स्ट्रेस लेवल होता है, सुनने की क्षमता भी बढ़ जाती है, तो ये एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। और आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है ना, लड़ने की क्षमता वो भी बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए कंछेदन जो है बच्चों में करा दिया जाता है, तो ये सारी चीजें जो है इम्प्रूव हो जाती है। तुम पढ़ो क्योंकि ये ट्विस्टिंग जो है पनिशमेंट तो नहीं बेटा, पर आज तो मुझे कान में सुनाई नहीं पड़ता ना, तो ऐसे कर सकती हाँ। और एक बात बता दूं कि आप लोग को लगेगा आश्चर्य लगेगा, पर इससे वेट भी लूज होता है। अब आप सोचिए वेट कैसे लूज होता है, पर ये सारे प्रेशर पॉइंट्स के हैं टर्म्स, क्योंकि जो कान में है वो कान का रिलेशन डाइजेस्टिव सिस्टम से भी है। अगर आप कान में छेद कराते हैं या ईयर पियर्सिंग कराते हैं तो कान आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत इम्प्रूव होता है और आपको कब्ज की शिकायत नहीं होती है। तो और मुझे तो थायराइड भी है,
तो जब मुझे हुआ तो मुझे मतलब क्योंकि मैं बायो स्टूडेंट थी और मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने कुछ इस तरह की बातें बताई, तो मैंने ये ऊपर वाला यहाँ पर एक छेद करा लिया, यानी यहाँ पे एयर पियर्सिंग करा ली मैंने यहाँ पर, और करा ली और अच्छा भी लगता है और साथ में कुछ फिजिकली जो बेनिफिट होते हैं मेंटली फिजिकली स्ट्रेस लेवल पे वो बेनिफिट्स मुझे मिलते हैं। और जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो मैं बेटी की भी कराऊंगी। और मैं तो सोच रही हूँ बल्कि एक प्रेशर पॉइंट यहाँ होता है, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ होता है और एक सबसे ऊपर होता है, तो सोचती हूँ चारों में करा लूँ। पर थोड़ी सा क्या है कि थोड़ा विंटर आएंगे तब मैं कराऊंगी क्योंकि वो फायदा करेगा मुझे। और विंटर्स में क्या होता है कि जो कान होते हैं ना, जब आप इसको छेद कराइए तो कान थोड़ा सा क्या होता है पकते नहीं है, और बाकी तो मैं प्रिकॉशन ले लेती हूँ क्योंकि जब आप कान छेद कराइए तो कान छेदन में हमेशा करना चाहिए, जब चेक करा ले तो उसमें थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि हल्दी जो है वो एंटीबैक्टीरियल होती है, इन्फेक्शन ही देती है, तो हल्दी और तेल आप गर्म करके उसको लगा सकते हैं, या ओस की बूंद लगा सकते हैं, ओस की बूंद भी एंटीबैक्टीरियल होती है, और डीएस भी खा सकते हैं, डीएस की गोली भी जो है वो सुखाती है, क्योंकि मैं आपको तो ओस की बूंद जो बहुत फायदा करती है उसका क्या होता है वो सूजन को कम कर देती है, स्वेलिंग को कम कर देती है, इसलिए लोग नंगे पांव जो है वो चलते हैं, क्योंकि अगर किसी को स्वेलिंग होती है ना पैरों में तो ओस बहुत फायदेमंद होती है, तो और कानों के लिए भी, कानों में जब छेद कराते हैं तो बहुत स्वेलिंग हो जाती है, पहनते हैं दोस्तों तो उसमें भी जो है एंटीबैक्टीरियल भी है, तो दोनों चीजें के काम करती है, तो उसको मॉर्निंग में लगा लेते हैं। तो ये कहते हैं सारी जितनी भी चीजें बनी है ना सब साइंस से रिलेटेड है और इतनी अच्छी है कि अगर आप इनके अंदर घुस घुस के अगर इनको पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि क्या ईयर ट्विस्टिंग, क्या ईयर पुलिंग, क्या उठक बैठक और आपका ये मुर्गा आसन पनिशमेंट, ये सारी चीजें जो है एक आसन है, एक योगा है और हमारे फिजिकल मतलब हमारी बॉडी को फिट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो कुछ लोगों को मतलब लगता है कि ये पनिशमेंट्स हैं पर पनिशमेंट रियल में नहीं है, तो मैं अविष्का के फिर से एक बार मेमोरी शार्प हो जाती है तो मैं ईयर ट्विस्ट कर देती हूँ और दोनों ईयर ट्विस्ट कर देती हूँ, क्योंकि अविष्का का है पेपर कल और ट्विस्ट हो जाएगा तो अविष्का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा ब्रेन में, अरे मम्मा है ना, ठीक है ना, और आपकी एनर्जी भी बूस्ट हो जाएगी। तो चलो पढ़ लो फटाफट, पढ़ लो स्टार्ट करो। अच्छा, आर्टिफैक्ट समथिंग मेड बाय पीपल लाइक, और अभी के पापा लाए हैं ये देखिए गोलगप्पे। तो अविष्का के कान एयर ट्विस्टिंग के बाद, अविष्का की पुलिंग के बाद अविष्का को मिलेंगे गोलगप्पे, क्योंकि जब सजा मिलती है तो ही मजा मिल लगता है। आइए आइए अविष्का को जो है वो कहते हैं ना, अविष्का की हुई है आज ईयर पुलिंग और अच्छे से ट्विस्ट किया गया है तो अविष्का को मिले इतने सारे गोलगप्पे। क्यों अविष्का डेली ईयर पुलिंग करेंगे? नहीं मामा, थक गई, रोज पनिशमेंट खाती हूँ। हाँ, क्योंकि आपको टेस्ट मिला था ना, टेस्ट में तो जानते हो ना तैयार रहना पड़ता है, तो तैयार रहना चाहिए ना, टेस्ट का तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो। और ईयर पुलिंग जो है ना वो तुम्हें पता है ना अच्छी एक्सरसाइज है। एक गिलास दूध सुबह और शाम देती हूँ, क्योंकि बच्चों को हमेशा दूध जरूर देना चाहिए क्योंकि इनको काफी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है और ये लोग मेहनत करते हैं, इनका काम हमेशा ब्रेन का होता है तो हमेशा इनकी पॉजिटिव चीजों को ध्यान देना चाहिए, तो वो मैं अपनी बेटी का ध्यान रखती हूँ। और अविष्का ने तो अविष्का को पता चल गया ना बेनिफिट ये ट्विस्टिंग के। हाँ, क्योंकि होता क्या है अक्सर जब मैं ये मान लीजिए कि मैं इस ब्लॉग को डालती हूँ तो बच्चों को लगता है कि मैं अविष्का को पनिशमेंट दे रही हूँ, पर हाँ सम टाइम्स तो मैं करती हूँ ऐसा, ऐसा नहीं है, पर हाँ ये है कि हाँ जब मैं इस चीज को करती हूँ
तो क्योंकि मैं बायो स्टूडेंट हूँ तो मुझे इसके बेनिफिट्स पता होते हैं, इसलिए मैं करती हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ ताकि इसको एज ए पनिशमेंट ना लें आप। ये एक तरह का बहुत अच्छे प्रेशर पॉइंट का एक्सरसाइज है, मसाज है, जो बहुत सारे रोगियों को यानी बीमारियों को जब बीमार हो जाते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट भी ये मसाज देते हैं और लोग अपने घर में बैठ करके इस तरह से मसाज करते हैं। तो ये टीचर जब मसाज देते हैं तो हमें लगता है बुरा, क्योंकि हमें लगता है वो पनिशमेंट दे रहे हैं। पर आपको बता दूं मैं एक टीचर हूँ और मैंने वैसे हालांकि ये टीचर्स की कोई मसाज ली नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पसंद थी और मुझे पता भी नहीं था उस समय, पर अब मैं खुद इन प्रेशर पॉइंट्स को एक्सरसाइज इनकी जो है मसाज करती हूँ क्योंकि मुझे माइग्रेन और थायराइड का इशू है जो कि डाइजेशन इम्प्रूव करता है और मेंटली बहुत रिलैक्स होते हैं, तो इसलिए मैं करती हूँ। तो बस ये सारी जानकारियाँ मुझे देनी थी, दे दी मैंने आपको और जानकारियाँ होनी भी चाहिए क्योंकि जो मेरे मुझे नॉलेज है मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे व्यूअर्स भी देख सकें। तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर एक लाइक दे दीजिएगा क्योंकि किसी को सजा देना मेरा काम नहीं है, क्योंकि टीचर जो है सजा जरूर देता है पर साथ साथ ज्ञान भी देता है, वही टीचर का काम होता है, वही कर्तव्य होता है। तो बस अब हो गई है रात और अविष्का का वैसे तो अभी तो 8 बज रहे हैं, अविष्का पढ़ रही है और मैं साथ ही साथ जो है डिनर भी बना रही हूँ। तो बस अविष्का पियेंगी दूध और डिनर बनाने के बाद डिनर खाएंगी क्योंकि अविष्का जब लास्ट में दूध पीती है ना तो खाना जो है वो गर्मियों के टाइम में थोड़ा उसको लगता है कि दूध पीने के बाद वो परेशान हो जाती है, तो मैं उसको इसी टाइम दूध पी लेती हूँ। तो चलिए इसी के साथ करते हैं व्लॉग एंड, और आपको व्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिएगा और नॉन सब्सक्राइबर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है तो एक सब्सक्राइब बनता है मेरा। और आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। Good night!